नमस्कार। आईपीएल का काउंटडाउन चल रहा है। 19 सितंबर से 14वें सीजन का दूसरा हाफ खेला जाएगा। उससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दो दिग्गज खिलाड़ियों पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। गंभीर ने कहा है, आईपीएल 14 का दूसरा चरण विराट और एबी डिविलियर्स के लिए आसान नहीं होगा। गौतम गंभीर ने अपने बयान में कहा, विराट कोहली इंग्लैंड में 4 टेस्ट मैच खेलकर आ रहे हैं और इसी वजह से यूएई की कंडीशंस में टी20 फॉर्मेट में खुद को ढालने के लिए उन्हें वक्त लगेगा, जबकि एबी डिविलियर्स बिना कोई क्रिकेट खेले सीधे आईपीएल में आ रहे हैं, इसी वजह से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बता दें, आईपीएल 2021 में अभी तक एबी डिविलियर्स ने 6 इनिंग्स खेली है और 207 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जबकि विराट ने 7 पारियों में 1 अर्धशतक की मदद से 198 रन बनाए हैं। मतलब दोनों खिलाड़ी फॉर्म में, इसीलिए आरसीबी ने अभी तक इस सीजन में शानदार खेल दिखाया है। गौरतलब है कि आरसीबी की टीम आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में अपने बेहतर प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी और इस बार उनकी कोशिश खिताब का सूखा खत्म करने की होगी। पहले हाफ में टीम का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था और इस वक्त पॉइंट्स टेबल में वो तीसरे पायदान पर है। आरसीबी ने 7 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स पहले और चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे स्थान पर है। अब आरसीबी चाहेगा कि वो इस लय को बरकरार रखे। आपका गौतम के इस बयान और विराट की आरसीबी पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।